बागपत में पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी बदमाशों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला खेकड़ा थाना क्षेत्र के मसूरी गांव का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम श्रीचंद के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फरार हो गए। बदमाशों की ताबड़तोड़ में श्रीचंद गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए GTB अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोग धरने पर बैठ गए। चार बंदे आए गांव के। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुमेर सिंह है। क्या घटना हुई? सुबेरी दुकान के सामने अपने बैठे थे, दुकान खोल के, परचून की दुकान है, और चार बंदे आके खटाखट गोली मार गए। कितनी गोली चली? तीन गोली चली है। कहां लग, एक गोली यहाँ लग रही है, एक बाजू में लग रही है, एक निकल के नीचे डल गई। किसके लगी है? क्या सुरेंद्र नाम है। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में ले गए तेग बहादुर। पुलिस आई थी कुछ? पुलिस एक घंटे बाद आई है। फोन करा 100 नंबर पे, तब भी नहीं सुनी। एक घंटे बाद फिर पुलिस आई करके, वे देख के चले गए, इनका भी आ रहे हैं। फिर उसके बाद नहीं आई, फिर कम से कम 1.25 घंटा हो गया, फिर तब आए। उधर फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। ASP ने आश्वासन दिया है कि परिजनों की तहरीर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यहाँ पे एक सुरेंद्र जी हैं, ये जिनका मकान बगल में है, ये मॉर्निंग में सुबह अपने घर के बाहर बैठे थे, इनका दुकान है, और वहीं पे दुकान के ऊपर इन्होंने CCTV लगा रखा है। कुछ बताया जा रहा है कि एक बाइक पे कुछ लोग आए थे, उन्होंने गोली चला दी इनके ऊपर, इनके बाँह में लगी है गोली, और उसके बाद वहाँ से गोली चलाने के बाद जो लड़के थे वो फरार हो गए। हम लोग CCTV फुटेज देख रहे हैं, और इनके इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में कुछ चीज़ें अभी तथ्य निकल के आए हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और संभवतः इसमें नामजद तहरीर आने की संभावना है। जैसे कि तहरीर आई नहीं है, तो जैसे ये तहरीर देंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या वजह रही है? वही पता करेंगे अब क्या वजह है, तो जैसे तहरीर आएगी उसके बाद जो हम लोग जनरली जो अभी पता कर रहे हैं, हम लोग जो फुटेज है उन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं, और जो भी चीज़ निकल के आएगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे और वजह भी पता चल जाएगा। फिलहाल पुलिस मौके पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी का आश्वासन दे रही है, लेकिन सरेआम हुई फायरिंग से लोगों में दहशत और आक्रोश बना हुआ है। पंजाब के CCTV के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।